वेलकम दोस्तों, मैं आजाद आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोटॉक के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है टेक न्यूज़ के बारे में। आज की सबसे पहली टेक न्यूज़ है कार्बन की तरफ से। कार्बन का नया फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कार्बन ऑरा 4G। इसकी कीमत होगी 5,290 रुपये और इसके अंदर आपको मिलेगा 1.25 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। किस कंपनी का प्रोसेसर, इसके बारे में डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। इसमें 1 GB रैम और 8 GB का स्टोरेज मिलेगा आपको, जिसको आप 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं वाया SD कार्ड। 5 इंच का डिस्प्ले है, 5 MP का रियर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा, 2000 mAh के आसपास बैटरी मिलेगी आपको। मतलब वर्थ नहीं लग रहा है, पता नहीं कार्बन और माइक्रोमैक्स और हम सब लोग इंडियन कंपनी ज़्यादा क्यों अच्छे फ़ोन नहीं बनाती। मतलब अच्छी बात है कि अब SRT स्मार्टफोन आके एक ऐसा इंडियन कंपनी अच्छे फ़ोन बना रही है। अगला अपडेट है दोस्तों आईफोन 8 के बारे में। आईफोन 8 के अंदर जो अब फ्रंट कैमरा होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट 3D सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ जो उसका A11 चिपसेट है उसके बारे में न्यूज़ आ रही है कि उसका बड़े लेवल पर, मास लेवल पर उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों सैमसंग ने अपना नया फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है Horizon 2 और इसकी कीमत है 5,000 रुपये। इसके अंदर आपको 2 GB रैम, 16 GB का स्टोरेज, 5 इंच का HD डिस्प्ले, 8 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 2450 mAh की बैटरी और एंड्रॉयड 7 आउट ऑफ द बॉक्स और पैनिक बटन जैसे फीचर मिलेंगे, और इसमें IR ब्लास्टर भी होगा जैसा अक्सर शाओमी के फ़ोन में आप देखते हैं, Redmi 4A में या फिर Note 4 में, जिससे आप अपने टेलीविज़न और AC को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से भी मेरे हिसाब से एक ओवरप्राइज फ़ोन है, आपको Redmi 4A प्रेफर करना चाहिए। सैमसंग Z4 टीजन, ये जो फ़ोन आने वाला है सैमसंग का जो इंडिया में लॉन्च होगा, ये बजट ओरिएंटेड टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट करेगा और इसका कुछ 4.5 इंच का WVGA स्क्रीन होगा, क्वाड कोर प्रोसेसर होगा, 1.5 GHz का 1 GB की रैम होगी, 5 MP रेयर कैमरा होगा जो ड्यूल LED फ्लैश के साथ होगा, और 5 MP का फ्रंट कैमरा विद सिंगल फ्लैश। तो ये ठीक ठाक सा फ़ोन लग रहा है, इसकी प्राइस भी ठीक ठाक सी होगी, देखते हैं। अगर इसकी प्राइस 6,000 या 5,000 है तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा आप इसे ना लें। फ्लिपकार्ट का सेल शुरू होने वाला है दोस्तों और इसके अंदर आपको कुछ अमेजिंग ऑफर्स मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ऑफर मिलेगी मोटो के फ़ोन्स पर, लिनोवो के फ़ोन्स पर, और सैमसंग के जो On 5 और On 7 फ़ोन है उन पर भी आपको ऑफ़र मिलेगी, तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 1,000 से लेके आपको 1,500-2,000 जो भी डिस्काउंट्स होंगे वो सब मिलेंगे। और लिनोवो फ्लिपकार्ट यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि अब तक का लोएस्ट प्राइस उनको आईफोन 7 पे वो रखने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फ़ोन है जो लॉन्च होगा जिसका नाम होगा लिनोवो Z2 Plus, सॉरी लॉन्च नहीं होगा, स्पेस सेल होगा, और अगर मेरे हिसाब से अगर रिपोर्ट सही है तो इसकी कीमत होगी तकरीबन 12,000 रुपये। और ये 12,000 रुपये में बहुत ही अच्छी डील होगी क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 820 मिलेगा जो अक्सर हाई एंड फोन्स में आता है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। अगर आप इसे लेना चाहेंगे 12,000 के प्राइस पॉइंट में तो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें 3 GB की रैम और 32 GB का स्टोरेज आपको मिलेगा, मगर डेफ़िनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और बहुत ही आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। एक बहुत ही फ़नी न्यूज़ आई है, सैमसंग का जो Note 7 रिफर्बिश वर्जन होगा जिस पर सैमसंग ने स्पेसिफाई किया है कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो कब उसे लॉन्च करेंगे, और ऑलरेडी चाइना की एक साइट पर वो आ चुका है। तो बहुत ही वियर्ड न्यूज़ है, और साथ ही साथ मैंने इस न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखा है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल का एक डिवाइस स्पॉट किया गया है Geekbench पे और उसका 4 GB रैम के साथ से स्पॉट किया गया है, और इसमें Qualcomm का प्रोसेसर देखा गया है। देखते हैं अब इस फ़ोन का एक्चुअली ये पिक्सल फ़ोन होगा या कोई दूसरा फ़ोन होगा, इसकी डिटेल्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो देखते हैं गूगल इस साल कौन सा फ़ोन लॉन्च करता है। Moto X 2017 वर्जन, और उसका अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसका नाम होगा Moto X4। इसकी लीक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है, इसमें 5.5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा, 4 GB की रैम, 64 GB का स्टोरेज, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर आने की भी स्पेकुलेशन आ रही है, 3800 mAh की बैटरी, रियर फ्रंट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा IP68 सर्टिफाइड फ़ोन विद मेटल बॉडी और ड्यूल रियर कैमरास। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये फ़ोन एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे, बजट प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, तो अच्छी बात है। देखते हैं अब मोटोरोला क्या लाता है हमारे लिए मोटो एक्स के साथ नए वर्जन में। दोस्तों गूगल ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम है ट्रिबल, और इसके नाम ट्रबल नहीं है, इसका नाम ट्रिबल है,
और इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होंगे जिससे अब एंड्रॉयड अपडेट जल्दी मिलेंगे नॉन गूगल डिवाइसेस को। और डिटेल्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, और जैसा आप देख सकते हैं जिससे नॉर्मली प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता था, तो जो टीडीएस स्टेप्स है गूगल ने उनको अवॉइड करके एक साथ कर दिया है ताकि जल्दी से जल्दी एंड्रॉयड यूज़र्स को सिक्योरिटी और नेसेसरी अपडेट मिले। तो दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।